गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर पैरामीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर, यानी हम जो रेक्टिलिनियर फिगर हैं उनका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज इक्वल टू पैरी प्लस मेट्रॉन। नाउ पैरी मीन्स अराउंड यानी चारों तरफ, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर यानी नापना, यानी किसी भी जो रेक्टिलिनियर फिगर होती है उसको चारों तरफ से नापना इज कॉल्ड पैरामीटर। नाउ पैरामीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर, यानी जो भी क्लोज प्लेन फिगर होती है उसके सभी साइड्स के टोटल डिस्टेंस को हम पैरामीटर कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर, यानी जो रेक्टिलिनियर फिगर है उसकी सभी साइड्स के सम को पैरामीटर कहा जाता है। इस चैप्टर में आप ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का पैरामीटर हम किस तरह से मेजर करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है ट्राइंगल, जो हमारी एक रेक्टिलिनियर फिगर है। एज यू ऑल नो द ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स, ए बी एंड सी। सो द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। या आप ये भी कह सकते हैं पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो हमारा ट्राइंगल है उसकी अगर तीनों साइड को हम प्लस कर देंगे तो हमारा पैरामीटर निकल आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग द डायमेंशंस। एक ट्राइंगल है जिसका डायमेंशन क्या है, पी इज इक्वल टू 7 मीटर, क्यू इज इक्वल टू 8 मीटर एंड आर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो पैरामीटर का हमारा फॉर्मूला क्या है निकालने का, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड, यानी जो जितनी भी इसकी साइड्स हैं उनका सम निकालना। तो यहाँ पर हम इसकी फॉर्मूला पुट करेंगे, जैसे इसमें दिख रहा है आपको इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी पी क्यू और आर को हम प्लस कर देंगे। इसके बाद हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो नीचे देखिए इसमें लिखा है इज इक्वल टू 7 + 8 + 10, जो कि हमारी तीनों साइड्स की वैल्यू है। जैसे पी इज इक्वल टू 7 दे रखा है तो हमने 7 लिया है, क्यू इज इक्वल टू 8 है, 8 मीटर है तो हमने 8 प्लस किया है, एंड आर इज इक्वल टू 10 मीटर है तो हमने 10 लिया है। और जब हम इसको सम करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 25 मीटर। सो वी कैन से द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 25 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। एंड यू ऑल नो दैट रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड। रेक्टेंगल की हमारी 4 साइड्स होती हैं जिसमें जो 2 अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं, एल एंड बी, इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। एल इज इक्वल टू लेंथ एंड बी इज इक्वल टू ब्रेथ, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई। सो द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, यानी चारों साइड्स को प्लस करके। या फिर आप ये भी कह सकते हैं पी इज इक्वल टू, यहाँ पी जो स्टैंड कर रहा है वो पैरीमीटर के लिए है, पी इज इक्वल टू 2l + 2b, यानी लेंथ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वेयर, यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, वेयर l इज इक्वल टू लेंथ, यानी l का मतलब है लेंथ एंड b का मतलब है ब्रेथ। और दूसरा जो हम फार्मूला, इसका शॉर्ट फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 2 × l + b, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 2 × l + b, ये लेंथ और ब्रेथ को हम प्लस करके उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग द डायमेंशंस एल इज इक्वल टू 18 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 12 मीटर, यानी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 18 मीटर और ब्रेथ है 12 मीटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला, पैरामीटर इज इक्वल टू, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 × l + b। यहाँ ब्रैकेट में l प्लस बी दिया हुआ है और जो ब्रैकेट के बाहर है इसका मतलब 2 है, तो इसका मतलब होता है कि हमें लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है।
और आपको ये भी पता होगा कि हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर की डिजिट है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे आगे चलते हैं, यानी इज इक्वल टू टू। अब हम यहाँ लेंथ और ब्रिथ की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 × 18 + 12। जब आप 18 और 12 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 30। तो नेक्स्ट हमने लिखा है 2 × 30, और जब हम 2 की 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60 मीटर। देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 मीटर। चलिए अब आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर का पैरामीटर निकालना सीखेंगे। एज यू नो दैट स्क्वायर हैज़ 4 साइड ऑफ सेम लेंथ, यानी जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी जो साइड्स होती हैं वो एक ही लेंथ की होती हैं, जिसको हम कैसे शो करते हैं, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी साइड्स का की जो लेंथ है उसका सम निकालना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, या आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4 × साइड ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की जो भी साइड है उसकी मल्टीप्लाई हम 4 से कर दें एक साइड की, तो वो भी इक्वल टू होगा साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग द साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी जिस स्क्वायर की एक साइड 10 सेंटीमीटर ही है उसका हमें पैरामीटर निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। पैरामीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 × लेंथ ऑफ ए साइड। आप इंटू और मल्टीप्लाई में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, यानी मल्टीप्लाई। इंटू का मतलब ही मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब तो होता ही मल्टीप्लाई है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब साइड कितनी है स्क्वायर की, 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसमें लिखा है 4 × 10, और आंसर जब हम 4 × 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर। हेंस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको पैरामीटर निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।